हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुज त्यागी एक बार फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसी स्थिति में आप लोग के लिए कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ अच्छे वीडियोस लाना हम लोग की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आज हम लोग जो टॉपिक्स लेकर के आए हैं वो आज हम लोग का टॉपिक है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस माहौल में, इन छुट्टियों में काफ़ी ज़्यादा अपना जो रूटीन है वो ख़राब कर चुके होंगे। कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अपना डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स खाने की वजह से, खाना ज़्यादा या कुछ भी ओवर ईटिंग होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जैसी या दूसरी पेट की चीज़ें होती है, हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आज हम लोग का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत। दोस्तों, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग, उन लोग को पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर अनुज त्यागी पिछले 10-12 सालों से संजय नगर सेक्टर 23 में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मूल रूप से मैं गुदा रोग विशेषज्ञ हूँ और गुदा शारीरिक चिकित्सा करता हूँ गुदा रोग विशेषज्ञ होने के नाते। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। पहले हम लोग ये जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। विबंध, विबंध कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में बोलते हैं विबंध, यानी कि कब्जियत को मल का बार बार पास ना होना। कुछ लोगों को मल के लिए सोच के लिए वो सॉफ्ट रूप में ना होना, ठीक है। तो सोच जो है हम लोग का, जब मल रुक जाता है गुदा मार्ग में, वो बार बार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि आज मुझे मोशन नहीं हुआ। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको कब्जियत है, या फिर आपने कोई अगर अलार्म अपना सेट किया हो कि मुझे तो कल सुबह या 6 बजे मुझे लेटरिन में गया था, टॉयलेट के लिए गया था, और मुझे आज 6 बजे नहीं हुई और 6:30 मुझे हो चुके हैं, तो मुझे कब्जियत है, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, तो ये बिल्कुल भी कब्जियत नहीं है दोस्तों, ये समझ लें आप। ऐसी स्थिति में मैं बता दूं, क्योंकि देखिए ये जो स्थिति थी, हम लोग एक, मैं आप लोग को नेचर बता दूं कि कब्जियत का कारण और वो सब तो हम बात करेंगे करेंगे। जो ये साइकोलॉजिकल हम लोग को तैयार किया गया था, ये हम लोगों को अब से करीब 20-30-50 साल पहले वाली स्थिति है, जब हम लोगों को घर पे संडास नहीं होता था, जब हम लोग के घर पे टॉयलेट नहीं होता था। तो हम लोग को इस तरह से मेंटली हम लोग को तैयार किया गया था कि हम लोग एक बार करके टोटली हम लोग मोशन के लिए चले जाएं, अपना प्रॉपर एक ही दिन में सुबह जाने की आदत डालें। हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर और फैमिलीज ने हम लोग को इस तरह की आदतें डाली कि हम लोग कोशिश करें कि एक ही बार में हम लोग मोशन चले जाएं। तो दोस्तों, उसी टाइम पे हम लोग का खाना पीना भी इतना अच्छा होता था कि हम लोग को फाइबर डाइट अच्छे से खाने के लिए मिलती थी। दूसरी चीज़, हम लोग मोटा आटा और दूसरी चीज़ें भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा चोकर और हम लोग के आटे में नॉर्मली हो जाते थे कि उस टाइम पे हाथ से पीसी हुई चक्की का हम लोग आटा खाते थे, जो कि काफ़ी उसमें चोकर होती थी, तो फाइबर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी। दूसरी चीज़, सलाद या फ्रूट्स पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा खाते थे। तो लेकिन अभी बढ़ते मौसम को, बदलते मौसम को, या फिर वेस्टर्न कल्चर को बदलते हुए, अगर आप समझते हो कि वेस्टर्न कल्चर के साथ आप चलो और शरीर आपका अब भी वही अपने ऋषि मुनियों के ज़माने का हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों ऐसा तो संभव नहीं है। इसमें आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आप वेस्टर्न कल्चर को यूज़ करेंगे तो आपको वेस्टर्न कल्चर जैसी बीमारियां भी आएंगी, जबकि हमारे लिए वो बीमारियां हैं, जबकि उन लोगों के लिए वो नॉर्मल है। वेस्टर्न कल्चर में आप जाओगे, आप देखोगे कि वो लोग दिन में 2 बार, 48 घंटे में, 72 घंटे में, दिन में 2-3 दिनों में एक बार लेटरिन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका खाना उतना उस तरह का नहीं होता है कि उनके खाने में वो लोग ज़्यादातर नॉनवेज या फिर मैदा खाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ये सब उन लोगों को फाइबर अलग से, वो लोग बिल्कुल ग्रीन सैलेड खाते हैं बिल्कुल अलग से। तो या तो आप खाना अगर आप इस तरह का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उस पर भी जाइए कि आप भी हरे पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल ऐसे ही चबा करके खाएं जैसे वो लोग सलाद के तौर पे खाते हैं, या फिर जूसेस वगैरह का आप प्रॉपर यूज़ करें, ठीक है। तो आइए हम लोग इसी बात को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं कि अगर हमें उनके कब्जियत पे, उनकी बीमारी उनके हिसाब से कब्ज नहीं है, लेकिन हमारे नेचर के हिसाब से, हमारे माइंडसेट के हिसाब से दिन में 48 घंटे, 72 घंटे पे लेटरिन का जाना, क्योंकि हमारा दिमाग हम लोग का उसी तरह से तैयार है, तो वो हम लोग कब्जियत मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कब्ज का मतलब है कि लेटरिन का सख्त जाना, गांठदार जाना, मल का विबंध हो जाना, दिन में बिल्कुल जैसे बकरी लेटरिन करती है ना, गांठदार, इस तरह की गांठदार लेटरिन का होना। या फिर अगर ऐसा भी नहीं होता है तो हम लोगों को, कुछ लोगों को आप लोग समझेंगे कि कुछ लोग इस तरह के होते हैं, उनका मेंटली तैयार अपने मानसिक तौर पर इस तरह से, अगर वो ट्रेन में 5 दिन का सफ़र कर रहे हैं तो वो 5 दिन तक मोशन नहीं जाएंगे। अगर वो अपने घर को छोड़ के कहीं से और के फैमिली या गेस्ट के तौर पर कहीं जाते हैं तो 3 दिन जाएंगे वहाँ पर, तो 3 दिन वो मोशन नहीं करते। उन लोगों ने अपनी मेंटलिटी इस तरह से तैयार की हुई है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम लोग, बता दूँ मैं आप लोग को, आज मोटे तौर पर जो कब्जियत के जो दूसरे कारण हैं और इसके उलट कारण क्या हो सकते हैं,
तो हम लोग वन बाय वन करके चलेंगे। दूसरा एक चीज और बता दें, हम लोग कुछ लोगों में ने ये भी माना हुआ है कि बार बार मल की प्रवृत्ति, यानी दिन भर में 3 से 4 बार जाना मल के लिए जाना, और उनको सख्त लेटर नहीं होती, गांठदार लेटर नहीं होती है, लेकिन मल की प्रवृत्ति उनको दिन में 3 से 4 बार होती है। तो ऐसी बार ऐसी कंडीशन को भी उन लोगों ने कब्जियत में रखा है। दरअसल वो कब्जियत नहीं है, वो पेट का, वो उसे हम लोग क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं, कि जो लोग हैं 3 4 बार लेटरिन के लिए जाते हैं, सॉफ्ट स्टूल है हालांकि, लेकिन उनका मोशन जो है वो दिन में 3 4 बार जाने की हैबिट है। कुछ लोग जाएंगे मोशन, फिर नाश्ता करेंगे या चाय पियेंगे, फिर दोबारा से जाएंगे ऐसी कंडीशन में। और ऐसे इन लोगों को ये भी लगा रहता है कि मोशन जाने के लिए अगर एक ही बार हम लोग फिंगर इवैक्यूएशन कुछ लोग करते हैं, कि फिंगर अपना जा करके मल को जो अगर हम निकाल देंगे तो एक ही बार में निकल जाएगी, और फिर उससे वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि फिंगर से मल को निकालने में, इवैक्यूएट करने में वो लोग समझते कि मेरा मल अब प्रॉपर साफ हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, जब तक मैं उंगली नहीं डालता हूँ तो मल ही नहीं निकलता है। खासकर स्पेशली इन ओल्ड एज, बुजुर्ग लोग अब इस पुराने इस तरीके को यूज करते हैं। और मैं एक बात और आपसे बिल्कुल क्लियर बता दूं कि इनके सलाहकार जो उनके दोस्त होते हैं, वो एक चैन होती है कि वो लोग अपने एक दूसरे से सलाह बताते हैं, बोले कि यार ओल्ड एज पे आकर के ये दिमाग ना उंगली से निकाल लिया करो, मल को निकलता नहीं है, तो इस तरह से। जबकि ऐसा नहीं है, आप अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें। जितनी बार जैसे आप नाक में या कान में एक बार उंगली डाल लेंगे, और आपको फिर बहुत बार 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 उंगली डाल करके जो है छेड़ने के लिए, क्योंकि अंदर की जो लेयर है इसी तरह से, या फिर आपने के मुंह में अगर खाना खाते हो बाल आ जाता है, तो आप बार बार उस मुंह में उंगली डाल के उस बाल को निकालते हो, क्योंकि वो अंदर की म्यूकोसा को इरिटेट कर रहा है। सेम स्थिति इज देयर, अगर आप अपनी गुदा मार्ग में आप अगर अपने फिंगर डाल करने के बाद में आप उसको निकालते हो, तो जो अंदर की एनल कैनाल की जो म्यूकोसा है वो इरिटेट हो जाती है, और इरिटेशन की वजह से आपको दिन में 4 बार की बजाय 6 बार 10 बार भी लेटरिन जाना पड़ेगा। लेकिन आपके मन में वहम क्या बन गया, डॉक्टर साहब मुझे कब्ज है, आप डॉक्टर को समझाते रहेंगे, डॉक्टर आपको समझाता रहेगा, और आप परिवार वाले तो आपसे त्रस्ती हो जाने हैं, और फिर आप मानसिक अवसाद में आएंगे, तो वो सब भी चीज़ें अच्छी नहीं है। तो इसलिए सो डोंट डू लाइक दैट ना। आइए अब हम लोग इसके कॉजेज के बारे में जान लेते हैं। कॉजेज के बारे में मैं बात करूँ तो कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ देखनी पड़ती कि स्पेशली बच्चों में, या फिर ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती कि कोई एनाटॉमिकल जो है हमें बाई बर्थ हम लोग को कोई ऐसा एनाटॉमिकल एनोमलीज तो नहीं है, कोई इस तरह की परेशानी बचपन से ही रुकावट आंतों में तो नहीं है जिसकी वजह से हम लोगों को ये दिक्कत है, जो कि गुदा मार्ग का या आंतों की जो हमारी बनावट कुदरत ने, ऊपर वाले ने हमारी बनाई है आंतों की बनावट, वो कोई आंतें सिकुड़ी हुई छोटी या कोई उनमें रुकावट तो नहीं है, इस तरह के जो हमारे आंतों में जो वॉल्व हैं वो तो नहीं है, या फिर लेटरिन के रास्ते के जो छल्ले हैं वो उनमें ओल्ड यंग एज पे, स्पेशली यंग एज में, कि लेटरिन के रास्ते के छल्ले तो टाइट नहीं है, इस तरह के कारण हो सकते हैं आपको। तो इस हम लोग जैसे अगर ये बचपन में है, 3 से 4 दिन से 3 से 4 5 7 साल में इस तरह की ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, तो 3 से 5 साल की एज पे आते आते आप लोग को ये सब क्लियर हो जाएगा कि हमारे बच्चे को अगर मोशन प्रॉपर नहीं है, तो हो सकता है इट में भी इसका चांस हो सकता है कि हम लोग को ये एनाटॉमिकल एनोमलीज जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन अगर उसके बाद हो रही हैं और अभी तक बच्चा मोशन साफ कर रहा था, बिल्कुल 5 से 7 साल तक की एज पे बच्चा बिल्कुल ठीक लैटिन कर रहा है, और उसके बाद फिर से दिक्कत इस तरह की हो रही है, तो अब हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कहीं कोई गांठ तो नहीं हो गई है, कहीं लेटरिन के रास्ते में कोई गांठ तो नहीं बन गई है, या फिर इस तरह का तो नहीं हुआ है कि कोई जैसे हम लोग गांठ का से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कार्सिनोजेनिक हो सकती है, कोई कैंसर की गांठ भी बन जाती है। ओल्ड एज पे आते आते कई दफ़ा नसें हम लोग की कमजोर हो जाती हैं, गुदा मार्ग का जो नसें हैं, जो हमारे सेंस को, जो हमारी सेंस को जो एब्जॉर्ब करती हैं, और उसके मद थ्रू हम लोग को ये फीलिंग आती है कि हम मुझे लेटरिन जाना है, अगर इस तरह की नसों में कमजोरी भी आ जाती है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वीक है ओल्ड एज पे स्पेशली, या फिर बेड रिडन पेशेंट होते हैं जो बिस्तर पे लगातार लेटे रहते हैं, पैरालिसिस पेशेंट होते हैं, उस तरह के मरीजों में भी इस तरह की कमजोरी बन जाती है, तो ये भी इन लोगों में एक कब्जियत का एक ये कारण होता है। अच्छा, कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है, कोई भी गांठ हो सकती है, लेकिन इसके साथ में आपको पेन, अगर पेट में दर्द है, लोअर एब्डोमेन में आपको अगर पेन होकर के चल रहा है, आपके पेट के निचले हिस्से में भी दर्द है और लेटरिन करते हुए आपको दर्द होता है, या फिर आपके गांठदार मल के साथ में आपको इस तरह की काली टट्टी आ रही है, तो हम सोच सकते हैं कि कुछ मल का कब्जियत का या दिन में 3 4 बार
दिन में 3-4 दिन में एक बार लैट्रिन का जाना भी इस तरह की समस्या हो सकती है, तो उसमें हम लोग समझ के चलते हैं कि कोई गांठ तो नहीं बन गई, चाहे वो कार्सिनोजेनिक या नॉन कार्सिनोजेनिक हो। या फिर तीसरा, बार बार देखिए, अगर यंग एज में हम लोग बात करते हैं तो, या फिर इन स्पेशली इन फीमेल्स में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कहीं मार्केट में होते हैं, या फिर हो सकता है कि हम लोग इस तरह का जो वेग है, हम लोग का अधाड़ीय वेग बोला है कब्ज को, तो इस अधाड़ीय वेग के लिए हम लोग 13 अधाड़ीय वेग बोले गए हैं कि हम लोग जैसे छींकते खांसते इन लोगों को चीज़ों को नहीं रोकना चाहिए, उसी तरीके से हम लोगों को इसको भी नहीं रोकना चाहिए कि जब हम लोगों का मल आ रहा है तो हमें उसे नहीं रोकना चाहिए। स्पेशली बच्चे रोक लेते हैं स्कूल में, क्लास में, अगर आपके बच्चों को या इस तरह के एक जो आपके बच्चे हैं व्यस्क होने की तरफ हैं, तो कुछ लोग जॉब पे जाने की जल्दी में होते हैं, उठेंगे देरी से, उठने का एक कारण हो जाता है, और उन लोगों में इस तरह के कारण होते हैं कि वो लोग मल को उस समय पर परिवर्तन नहीं कर पाते और जाने के बाद में ऑफिस में या कहीं पर भी या मीटिंग में कहीं बैठे होते हैं, तो हम लोग उस वेग को रोक लेने की वजह से भी बार बार कब्जियत बननी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोगों में बात करेंगे आगे फीमेल्स में, अगर हम लोग बात करें तो फीमेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे फीमेल्स स्पेशली जो फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं, बहुत सारी फीमेल्स, उनके लिए व्रत ही अभिशाप बन जाता है। दोस्तों मैं स्पेशली बिल्कुल बोलूँगा आप लोगों से, आप व्रत करते हैं, आप जब कुट्टू काटा और आलू जैसी चीज़ें खाते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको कब्जियत बनती है। व्रत का लिए कुदरत ने या फिर हमारे जो पुराने प्राचीन लोग हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि व्रत में आप भूखे रहिए और फिर एकदम से जो खाना खाएं तो बिल्कुल एकदम से गरिष्ठ खाना खा लें। व्रत का मतलब होता है कि लाइट डाइट, आपको अपने डिटॉक्सिफिकेशन हम लोगों का है, खुद ही सोच लीजिएगा। हालांकि अब मैं इसके बारे में बोलूँगा तो अभी आधा घंटा और हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें वीडियो पर आप समझ लीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन का कारण व्रत का मतलब ये नहीं बताया, उसको डिटॉक्सिफिकेशन बताया कि आप जो है जब भी आपको वायरल फीवर होते हैं, वायरल डिसऑर्डर आते हैं, सीजन चेंज पे होते हैं, और उसी टाइम पे हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन लोग बहुत समझदार थे, उन लोगों ने बनाया हुआ है कि दोनों व्रत के टाइम पे आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बोला हुआ है। आपको 7 दिन का लंघन उधर बताया, 7 दिन का लंघन आपको सर्दी आने से पहले बताया गया है, तो दोनों ही समय अगर आप किसी भी रिलेशन से ऐड ऑन कर दें तो लोग उस चीज़ को जल्दी समझ जाते हैं, इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा गया ताकि आप लोग इसको जल्दी से आप लोग कैरी ऑन कर लें और अपने आप को लंघन पे लेकर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पर लेकर के, ताकि आपकी, क्योंकि अभी मैं फिर से नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को लेकर के आऊँगा भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग कब्जियत की बात कर रहे हैं, तो फाइबर डाइट के लिए अगर ऐसा हो सकता है कि आप लोग फाइबर डाइट बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं और फाइबर की कमी हो जाती है जिस वजह से, तो दोस्तों फाइबर की कमी हो सकती है और हम लोग को पानी की कमी हो सकती है, कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, पीते हैं। दोस्तों इस टॉपिक पे हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। आज हम लोगों ने बात करी है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जैसा कि बताया कि हम लोग को पानी कितना पीना चाहिए, ये इसके लिए मैं नेक्स्ट, अगर आप मेरी इस सीरीज को, सीरीज जो हमारी मेरी है ये कॉन्स्टिपेशन, इसको अगर आप कैरी ऑन करना चाहें तो हम लोग इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। अब आगे जो बताएंगे हम अगली वीडियोज में कि बच्चों में कब्जियत का कारण क्यों और कैसे बनता है, या फिर हम लोग को देश काल को देखते हुए किस तरह से अपना पानी पीना चाहिए, कितनी चीजें पीनी चाहिए, बहुत इजी गोइंग है। लेकिन हम लोग को अगर हम लोग करीना कपूर का देखते हुए सोचेंगे कि उसने बोला कि बहुत ज्यादा पानी पीती है और हम लोग पानी पी लें उतना, तो हम लोग जरूरी नहीं है कि देश काल बल को देखते हुए इसमें चीज़ों को, हमें पानी या दूसरी चीज़ों को पीना चाहिए, या वेस्टर्न को देखते हुए हम लोग खाना खाएं या पानी पिए, वो गलत है। अपने आप को पहचाने, अपने डॉक्टर स्वयं बने, स्पेशली अगर आप पेट के लिए अपने आप खुद से अपने डॉक्टर नहीं बनेंगे तो आप हमेशा बीमार रहेंगे, और जिसके मूल रूप से फिर दूसरी बड़ी बीमारी होंगी और जिनके लिए जो कि गुदा रोगों के रूप में आपके सामने बड़ी तौर पर आएंगी। मैं नहीं चाहता कि आपको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और अपडेट करें। अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरी इस सीरीज को प्लीज़ और प्लीज़ मिस ना करें कि डेली आप जो है इसमें सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोग, ये जो कॉन्स्टिपेशन की सीरीज है, फिर ये कि बच्चों में क्यों है, व्यस्क में क्यों है, अडल्ट में या फिर ओल्ड एज पे क्यों, इनका कारण क्या है, खाना क्या चाहिए, पानी पिए हैं तो कितना पिए, कब्जियत के हिसाब से देखते हुए, तो इन सब चीज़ों की जो सीरीज आने वाली है उसको प्लीज़ डोंट मिस। आज का अगर इतना ही टॉपिक काफ़ी है और हम लोगों ने बात करी जो है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।